एक विलायत की दुनिया में बहुत बड़ा एक वली है, उस वली को दुनिया कहती है मालिक बिन दीनार। सुना है मालिक बिन दीनार का? बहुत बड़े वली हैं, इतने बड़े वली है पानी पे चला करते थे, इतने बड़े वली है औरों को तरबियत करके वली बनाए, मालिक बिन दीनार। आप जानते हैं वो खुद कहते हैं, उन्होंने खुद बयान कई वाकयात उनकी ज़िंदगी के, ये उन्होंने खुद बयान किया। कहते हैं मैं पुलिस में था, मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं पुलिस में था, बादशाह का पुलिस था, शराब का बहुत आदि था, बहुत शराब पीता था। मालिक बिन दीनार कहते हैं अगर उन्होंने ये दास्तान बयान ना की होती तो मैं कभी नहीं कहता। हाँ ये भी कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम वली कैसे बन सकते हैं, मैंने कहा मेरे अजीज मेरा अल्लाह है, जिसे चाहे दोस्त बना ले। हाँ ये किसी खानदान की प्रॉपर्टी नहीं है मेरे भाई कि अब्बा वली थे तो बेटा भी होगा फिर पोता भी होगा, ऐसा नहीं है। वो जिस पे कर्म की नज़र पड़ जाए वली हो जाता है, और तौबा करने वालों को तो वली बना ही लिया जाता है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बनाते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते मैं शराब बहुत पीता, बहुत आदि था शराब का, और गाने भी सुनने का बड़ा आदि था, बहुत आदत थी गाने से। तो एक कनीज़ी घर में ला के रखी थी गाने वाली, और शराब भी बहुत पीता, और दोनों गुना बहुत बड़े। मेरे आका फरमाते हैं गाने सुनने वाले और शराब पीने वाले जब कब्र में रखे जाते हैं तो उनके चेहरों को या तो सुअर की तरह कर दिया जाता है या तो बंदर की तरह, और उनकी कब्र में उनका चेहरा भी काबे की तरफ नहीं रहता। छोड़िए, छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए, तौबा कीजिए, वली की चौखट है अल्लाह कबूल करेगा। बहरहाल जो मालिक बिन दीनार कहते हैं शराब पीता था, मेरी एक बच्ची पैदा हुई बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, मैं उसको गोद में लेके शराब पीता था। वो बच्ची पता नहीं 2 साल की भी नहीं हुई थी, वो मेरा शराब गिरा देती थी, खुदा जाने उसमें क्या चीज़ थी, और 2 साल की होने होने तक वो मर गई, इसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया तो मैं बड़ा गमगीन रहता था, अब शराब और ज़्यादा कर दी थी बच्ची के इंतकाल के बाद। याद रखना गमों का इलाज नशे में नहीं है, शराब में नहीं है, गमों का इलाज अल्लाह से दिल लगाने में है, उसके रसूल के जिक्र में है, उसके जिक्र में है। गुनाह में सुकून नहीं है, गुनाह बेचैनी करते, सुकून नेकियों में, नेकियों में सुकून है, नेक काम करो सुकून मिलेगा। अल्लाह ने नवाजा है अय्याशी मत करो, अल्लाह ने नवाजा जिना के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा शराब के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखना जो देना है जानता है, वो छीनना भी जानता है, वो छीन लेगा कहीं के नहीं रहोगे, इताब करेगा कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। याद रखना बड़े बड़े बादशाहों के हाथ में भीख के कटोरे देखे, आज अल्लाह थोड़ा सा नवाजे तो लोग जिना के अड्डों पर जाते, ये हाल है लोग। याद रखना अल्लाह के बंदो उसकी गैरत को चैलेंज मत करो। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी को गोद में लेकर शराब पीता था, मर गई, इंतकाल हो गया और ज्यादा पीने लगा। एक दिन शबे बारात आई, इस वाक्य का इंतखाब भी मैंने इसलिए किया कि इसका ताल्लुक शबे बारात से। एक दिन शबे बारात आई, मैंने ऐशा तक नहीं पढ़ा, मैंने ऐशा तक नहीं पढ़ा। देखो अल्लाह कैसे रास्ते देता है ना, उसके के ये मत सोचना मैं बहुत मुजरिम हूँ, अरे कुछ भी है तू है तो महबूब का गुलाम, आ दरवाजे खुले हैं। हाँ ये कोई डॉक्टर टीचर की के घर का मामला नहीं है, मेरे अल्लाह की चौखट का, उसने अपने दरवाजे सबके लिए खोल रखे, जो आए अंदर आए। हाँ बस आए तो सही, तौबा करे पलटते, बल्कि खुद कहता है मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं रक्स करूँ, यकीन जाने मेरा दिल चाहता है कि मैं वज्द करूँ, रक्स करूँ। कौन सी हदीस? अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत तो कोई ले ना, जिसका खुदा, अरे हमारा खुदा गंगा बहरा नहीं है, मिट्टी पत्थर का नहीं है, दरिया समंदर हमारा खुदा नहीं, वो खुदा है जो हमारी शय रख से ज्यादा हमारे नहनुवरीद, इतना करीब है 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, कहता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, हदीस के अल्फाज यही है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ जैसा कि उसकी शान है। लेकिन उलमाए मोहतातीन उसका तर्जमा ये बताते हैं कि कोई मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। हाय हाय, ये मेरे अल्लाह का अंदाज। और वो हदीस कुदसी एक और भी है, फरमाता है जब मेरा बंदा आप मेरी तरफ तौबा करके पलट आता है तो जंगल में मरने वाले को नई जिंदगी मिलने पर जो खुशी होती है उससे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ। आओ ना आज तौबा कर लो, आओ मेरे अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दें, मांगे उससे। और एक बात आपको कहूं,
अपनी औकात देखकर कभी मत मांगना, उसकी शान देखकर मांगो। छोटी चीज तो मांगो ही मत, छोटी चीज तो मांगो ही मत। ये कोई बादशाह का दरबार नहीं है। बादशाह लोग क्या कहते हैं, एक बादशाह के दरवाजे पे फकीर आया, कहा मुझे एक सिक्का दे। बादशाह ने हंस के कहा मेरी शान के लायक तो मांग, एक सिक्का मांगता है। तो फिर उसने कहा अच्छा अपनी सल्तनत दे दे। तो कहा अपनी औकात देख के मांग, है ना। लेकिन यहां तो क्या है, महबूब का वसीला दे के मांगो, क्या मांगते। उदून यस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, दौलत दे, दौलत दे, बच्चे दे, कारोबार दे। अरे नादान, वो तो काफिरों को भी दिया, वो मांग जो औलिया ने मांगा, वो मांग जो अल्लाह वालों ने मांगा। तो मालिक बिन दिनार कहते शबे बरात में इशा तक नहीं पड़ी, मैंने शराब पी, शबे बरात में भी शराब पी और शराब के नशे में धूत पड़ गया। मैंने ख्वाब देखा, मैं मर गया, सूर फूका गया, कब्र से उठा तो मेरे पीछे एक भयानक अजदहा, खौफनाक अजदहा, उसकी आवाज आई। मैंने पलट के देखा, वो मुझे दौड़ाने लगा। जैसे भागने लगा तो मेरे सामने एक बूढ़ा, बहुत खूबसूरत बूढ़ा आया। मैंने कहा अल्लाह वाले मुझे बचा ले। तो कहा मैं बहुत कमजोर हूँ, इससे तुझे नहीं बचा सकता, आगे जाओ सकता तेरे कोई रास्ता मिल जाए। मैं भागने लगा तो मैंने जहन्नम की आग ख्वाब में देखी, जहन्नम के पहाड़ देखे, जहन्नम में आग के पहाड़ है, आग के पहाड़, उस पर चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा, जहन्नम के पहाड़, आग के पहाड़, और सर पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। और शराबियों के लिए तो मैं दंग हूं, जब जहन्नम का जहन्नम कैसे, उसका मुताला मैंने हदीस में किया। तो जो दुनिया में जिना करते थे ना, जिना, तो उनके जिना के उज्व से पीप बह बह करके निकलेगा, वही पीप शराबियों को पिलाया जाए, नहीं बर्दाश्त कर सके। ये बात किसी मौलवी की कही हुई नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे भाई, मेरे जवान, अपने हाल पर रहम कर। और जानियों को तो हाल ये होगा, सब सारी उम्मत का आधा अजाब अकेले जानियों को दिया जाएगा, यानी पूरी उम्मत को जो अजाब होगा उसका निस्फ, आधा हिस्सा जानियों को। 16-16, 17-17 साल की उम्र में जना के अड्डों पे जा रही, ये गंदी फिल्में तुम्हें जना के अड्डे पे ले जा रही, ये हीरो के तरीके पे चल रहे, ये जना की तरफ नहीं। अपनी तबाही का सामान मत करो, बर्बादी का सामान मत करो। जब कोई जिना करता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है, जमीन कहती है कि मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर दबोच लूं। ऐसा मत करो, बल्कि इस्लाम तो कहता है जिस जगह पर अजनबी औरत बैठकर उठ जाए और उसकी गर्मी बैठने की बाकी हो तो वहां मत बैठो, वहां बैठोगे तो भी दिल में जिना का ख्याल पैदा होगा। औरतों के सूखते हुए कपड़े भी देखने से बचो, ये एहतियात है इस्लाम में। हाल पर रहम करो, पहली और आखिरी बार दुनिया में आए हो, अय्याशी मत करो, आवारगी मत करो, आपको हाजत है जल्दी शादी करो। इस्लाम ने शादी का हुक्म दिया, लेट क्यों करते हो, देर क्यों करते हो। जिना मत करो, निकाह करो, निकाह को फरोग दो, जिना को फरोग मत दो, तबाही होगी। तो कहते हैं मालिक बिन दिनार पीछे से सांप हमला कर, आगे वो बूढ़ा नेक परहेजगार मुझे दिखा, नूरानी चेहरे वाला, मैं कहा बचा ले, नहीं बचा। उसने कहा मैं कमजोर हूं, नहीं बचा सकता। मैंने पहाड़ देखे, आग देखी, मैं आग में गिरने वाला था तो गैब से आवाज आई, तू जहन्नमी नहीं है, निकल यहां से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जहन्नमियों वाले काम करते हैं मगर वो जहन्नमी होते नहीं, और बहुत सारे लोग जन्नतियों वाले काम करते हैं लेकिन वो जन्नती नहीं होते। इसलिए कभी घमंड मत करना कि मैं तो पूरी पूरी रात शिवरात में इबादत करता हूँ, मैं तो हर साल हज पे जाता हूँ, उमरा पे जाता हूँ, मैं तो सदका करता हूँ, मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं नहीं नहीं, मेरे आका की हदीस सुन लो। आका फरमाते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहन्नमी वाले काम करते हैं, जहन्नम में जाने वाले, लेकिन उनकी तकदीर में जन्नत लिखी होती है। और जिंदगी का आखिरी दिन आता है, वो तौबा करते हैं मरने से पहले और सुधर कर चले जाते हैं। और कुछ लोग जन्नतियों वाले काम करते हैं, हत्ता के लोग उनको जन्नती समझते हैं, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी दिन आता है तो वो अल्लाह के मुनकिर हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हत्ता के तकदीर का लिखा गालिब आता है, वो जहन्नम में चले जाते। इसलिए अपनी नेकी पे कभी तकब्बुर मत करना, नमाजी होने पे कभी घमंड मत करना। और मेरे सैयदों से कहता हूँ कभी अपने नसब पे भी घमंड मत करना। तुम्हारा भाई हूँ, खादिम हूँ, बुरा मत मानना, कभी घमंड मत करना। क्यों? इसलिए कि
जिनका नसब पूरी उम्मत को मालूम है, वो सैयदा फातिमा एक सजदे में पूरी रात गुजार देती थी, चक्की चलाती थी तो तिलावत करते हुए, खाना पकाती थी तो तिलावत करते हुए। उनको कभी अपने नसब पे घमंड नहीं था कि वो तो नबी की बेटी थी, उनके नसब में कोई शक नहीं था, नबी की बेटी थी। आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक, आपने सुना ना लोगों को जन्नत बांटते थे, लेकिन जब लोगों से मुसाफा करते थे तो कहते थे, लोगों वादा करो अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर देना, और अगर मेरी हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। लोग कहते थे, इमाम आप तो सैयद हैं। फरमाते, इसीलिए तो रो रहा हूँ कि क़यामत में अपने नाना को मुँह क्या दिखाऊँ, अपने नाना को मुँह क्या दिखाऊँगा। ये वो लोग थे मेरे अजीज, घमंड की कोई इजाज़त नहीं, ना दौलत पर, ना जवानी पे, ना इज्जत पे, ना इल्म पे, ना नसब पे, कभी घमंड मत करना। घमंड हमें क्या जेब देता है, हमारी तो अभी मगफिरत नहीं हुई। हजरत सैयद ना वैसे करनी, एक कचरे की कुंडी पर चिंदी उठाने के लिए गए पेवन लगाने के लिए, कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो कहा, मुझे मत भौंक, तेरे नसीब का तू ले, मेरे नसीब का मुझे लेने दे। और रही बात है कुत्ते, ए कुत्ते रही बात, अफजल कौन है तू या मैं, तो ये फैसला आज नहीं होगा। हाय हाय हाय, ये फैसला कौन कह रहा है, जिससे दुआ करवाने के लिए हुजूर ने मौला अली और फारूक आजम को भेजा कि मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवा। हुजूर जिससे दुआ करवाए वो वेस करनी कहते हैं, कुत्ते तू अफजल है या मैं अफजल है, फैसला आज नहीं होगा। अगर क़यामत में अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मैं पुल सरात से गुजर के जन्नत में चला गया तो मैं अफजल हूं, वरना तू मुझसे अफजल है। अगर मेरी मगफिरत नहीं हुई, वेस करने की मगफिरत नहीं, तो तू मुझसे अफजल होगा, और मेरी मगफिरत हो गई तो फिर मैं तुझसे। देखो ना किस बला की मैं से ऐसा, फिल्में देख करके बेखबर हो, शराब पी करके घमंड में हो, उवेस करनी जिसकी दुआ की बरकत से लोग जन्नत में जा रहे हैं, वो कहते हैं अगर मेरी मगफिरत हो गई, मैं पुलसरात से सलामती से गुजर गया तो ए कुत्ते तुझसे अफजल मैं हूं। अपने हाल पे रहम करो, आसान नहीं है दीन मजहब, सब आसान समझ रखा है, जो होगा देखा जाएगा, दो क्या देखा जाएगा, गिड़गिड़ाने वाले गिड़गिड़ा रहे, तुम क्या देख लोगे, क्या देख लेंगे हम, कुछ नहीं। हमारे कहने पे तो कारपोरेटर भी नरम नहीं होता। वो कादिर व कहार जब्बार, जब अपनी अदालत की कुर्सी पे अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा, वहां कुछ काम नहीं आएगा, वहां अमल देखा जाएगा, ईमान के बाद अमल। तो कहा कि तू जहन्नमी नहीं है मालिक बिन दिनार, जहन्नम में मत गिर, निकल, आगे बढ़, आगे भाग, हो सकता है तेरे बचने का इंतजाम हो जाए। कहते हैं मैंने कहा कहाँ बचूंगा, तो कहा कुछ इमानतें मोमिनों की आगे है, आगे जा। जब मैं आगे गया तो मैंने एक चांदी का पहाड़ देखा, जिसको तराश कर खराश कर बहुत खूबसूरत बनाई गई थी इमारत, और उसमें पर्दे लटके हुए थे, खुशबू आ रही थी, तो मैंने उसके अंदर घुसना चाहा तो फरिश्तों की आवाज़ आई खूबसूरत, उठाओ पर्दे, उठाओ पर्दे, वो आ रहा है जिसकी अमानत इसके अंदर मौजूद है। तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत खूबसूरत बच्चे थे। मैंने कहा तुम कौन हो, कहा मुसलमानों के बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले मर गए, हमें यही रखा जाता है। मेरी बेटी मुझे याद आई तो सामने सोने के पलंग के अंदर वो झूला झूल रही थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो पुकार के गई अब्बा, और मेरी गोद में आ गई, मेरी गोद में आके बैठी, काका अब्बा अभी वो वक्त नहीं आया कि आप तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आए। अब्बा अब्बा आप पलटते नहीं, अब्बा आप पलट नहीं जाते, शराब से तौबा नहीं कर लेते, अब्बा मेरे अल्लाह की तरफ पलट के नहीं आते। तो कहा बेटी ये क्या मंजर है, कहा वो जो अजदा है ना अजदा, वो आपका बुरा अमल है, वो बूढ़ा था ना जो खूबसूरत, वो आपके नेक अमल है, आप पलट आइए, अल्लाह आपको पलटाना चाहते हैं, पलट आइए। कहा जैसी मेरी आँख खुली मैं थर थर कांप रहा था, उसी शबे बरात में मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कितना कहा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह ने मुझे सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, मकाम विलायत भी अता कर। आओ अल्लाह की तरफ पलटे, शबे बरात में अपने लिए भी कुछ मांग लेना,
और आपके इस खादिम के लिए जो आपकी जूतियाँ सीधी करने की तमन्ना रखता है, मेरे लिए भी मांग लेना। मेरे अल्लाह ने मुझे सब दिया है, बस एक चीज़ मेरे लिए मांग लेना, मेरे लिए अमीनुल कादरी का खात्मा मदीने में बिलखैर हो जाए और 2 गज ज़मीन मेरे महबूब के कदमों में मिल जाए। बस इतना मांग लेना, बाकी का मामला उनके हाथ है। हक तआला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनहगार की बनाई है। बस ईमान पे खात्मा हो जाए, एक ही तमन्ना है अब, और कोई तमन्ना नहीं, और कोई तमन्ना नहीं, और ईमान पे खात्मे की किसी की गारंटी नहीं। एक मुहद्दिस जिसको 30,000 हदीसें याद थी, उसने एक ईसाई को कह दिया, ओ काफिर के बच्चे चल हट, अल्लाह ने उसी पर उसका ईमान छीन लिया। ये है, इसलिए किसी को हकीर मत समझो, किसी को जलील मत समझो, अपने आप को सबसे हकीर समझो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, अल्लाह हमारी बिगड़ी बनाए, अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। मुझसे भी ज़िंदगी में जब भी जहाँ जो गलतियाँ, अल्लाह माफ़ करे, आपकी भी गलतियाँ माफ़ करे। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।